नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। WTC का फाइनल 7 तारीख से शुरू हो जाएगा। टीम इंडिया का स्क्वाड जो है अनाउंस हो चुका है। लगभग प्लेइंग 11 भी राहुल द्रविड़ ने फाइनल कर ली होगी, रोहित शर्मा के साथ मिलकर बातचीत हो चुकी होगी। लेकिन इस प्लेइंग 11 में भी, इस स्क्वाड में भी वो चार खिलाड़ी मिस है, जो चार बड़े खिलाड़ी मैच विनर है। वो चार खिलाड़ी इस बार स्क्वाड में नहीं है जिन्हें टेस्ट क्रिकेट का या फिर कह सकते हैं कि बड़ा मैच विनर माना जाता है। उन चार खिलाड़ियों को अभी भी मौका नहीं दिया गया, जिन चार खिलाड़ियों के बारे दम पर टीम इंडिया पिछले कई सालों से टेस्ट क्रिकेट या फिर वनडे क्रिकेट जीतती आई है। चलिए अब बात करते हैं उन चार खिलाड़ियों की, वो चार खिलाड़ी कौन है और चारों खिलाड़ी चोटिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो चारों मैच विनर खिलाड़ी चोटिल हैं, इसी वजह से वो चारों खिलाड़ी बाहर हैं। सबसे पहला खिलाड़ी ऋषभ पंत। ऋषभ पंत चोटिल हैं, आप लोगों को पता है। ऋषभ पंत के बाहर होने से टीम इंडिया को कितना नुकसान हुआ यह भी आप लोगों को पता है। ऋषभ पंत चोटिल हैं, कब वापसी करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर विदेशी धरती पर ऋषभ पंत का जिस तरीके का रिकॉर्ड रहा, जैसे उन्होंने मैच जिताए हैं, वो विदेशी धरती पर खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़े मैच विनर हैं। और ऋषभ पंत के बाहर होने से भी टीम इंडिया को झटका लगा। तो पहले मैच विनर ऋषभ पंत, दूसरे मैच विनर हैं जसप्रीत बुमराह। जी हां, जसप्रीत बुमराह का भी रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है विदेशी धरती पर, और टेस्ट क्रिकेट में वो हमेशा घातक साबित होते हैं, हमेशा विकेट चटकाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह भी चोट की वजह से बाहर है, आईपीएल 2023 भी नहीं खेल पाए, WTC के फाइनल में भी नहीं खेल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी भी टीम इंडिया बहुत मिस करेगी। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से शमी के साथ मिलकर शुरुआत में विकेट चटकाते थे, वो टीम इंडिया को जीत में अहम योगदान देता था। तो जसप्रीत बुमराह को भी टीम इंडिया WTC के फाइनल में मिस करने वाली है। तीसरे खिलाड़ी हैं श्रेयस अय्यर। जी हां, श्रेयस अय्यर भी टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में बहुत कमाल का प्रदर्शन उनका रहा है, बहुत कमाल की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर ने की है। जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर भी चोटिल हैं, श्रेयस अय्यर का भी कमर की चोट थी, इसीलिए श्रेयस अय्यर आईपीएल 2023 भी नहीं खेल पाए। तो जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर को लेकर भी टीम इंडिया बहुत मिस करेगी। जो नंबर चार, नंबर पांच, नंबर तीन, नंबर चार पर जो बल्लेबाजी की बात, नंबर तीन पर विराट कोहली आते, नंबर चार पर जो श्रेयस अय्यर का स्थान है, जाहिर तौर पर उस नंबर पर टीम इंडिया को इस वक्त कोई बल्लेबाज, हालांकि रहाणे मौजूद हैं, उसके बाद में पुजारा मौजूद है, लेकिन श्रेयस अय्यर की एक अपनी अलग बात थी और श्रेयस अय्यर को भी मिस किया जाएगा। उसके बाद में जो सबसे आखिर वाले खिलाड़ी हैं मैच विनर के तौर पर जिसको माना जाता है, वो है केएल राहुल। केएल राहुल टीम इंडिया के साथ पिछले कई सालों से हैं, कई अच्छी पारियां केएल राहुल ने टेस्ट क्रिकेट में खेली हैं, लेकिन केएल राहुल भी चोट की वजह से बाहर है और केएल राहुल को भी टीम इंडिया मिस करेगी। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर मान लीजिए या फिर ओपनर के तौर पर मान लीजिए, टीम इंडिया केएल राहुल को भी मिस करने वाली है। तो ये चार वो खिलाड़ी थे जिन पुराने चार खिलाड़ियों के वजह, मतलब चोटिल होने की वजह से टीम इंडिया नए खिलाड़ियों के साथ जा रही है और इन चार खिलाड़ियों को टीम इंडिया WTC के फाइनल में मिस करेगी। तो आपका क्या मानना है, कौन से खिलाड़ी को आपको लगता है कि कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा मिस किया जाएगा, किस खिलाड़ी के ना होने का असर सबसे ज्यादा पड़ेगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।